इससे तो आप देख सकते हैं कि मेरी एक सिंगल मैक्रो निश वेबसाइट की अर्निंग जो कि गूगल एडसेंस से मैंने अर्न की है, तो ये है मेरे मंथली महीने की इनकम। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं इस तरह की वीडियोस डेली। तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए मैं अपनी जो मेरी वेबसाइट है इसमें मैं खुद काम करूँ एपी की निश पे, तो मैं रिवील कर दूँ। तो पहले तो मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये मेरी एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं freefirebattles.com। तो ये वेबसाइट मैंने बनाई थी पिछले साल ही, इस वेबसाइट को मैंने डिजाइन वगैरह किया था, उसके ब्लॉगर लिखे थे और गूगल एडसेंस से मैंने क्या किया था इसका अप्रूवल लिया था। तो ये बहुत जल्द मुझे तकरीबन 7 डेज के अंदर इसका गूगल एडसेंस का मुझे अप्रूवल मिल गया। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एड्स चेक करवा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस पे गूगल एडसेंस के एड्स भी चल रहे हैं। तो रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये देख सकते हैं कि गूगल एडसेंस के एड्स हमारी वेबसाइट पे शो हो रहे हैं, और जो एड शो हो रहे हैं वो भी फ्री फायर के रिलेटेड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जो बैनर बना हुआ है यहाँ पे फ्री फायर लिखा हुआ है। तो ये मैंने एक सिंगल मैक्रोनिश वेबसाइट बनाई हुई है, तो इसमें जो मेरे टोटल एक्सपेंस आया वो है तकरीबन $50। तो $50 की ये मैंने वेबसाइट बनाई, इसमें होस्टिंग वगैरह एवरीथिंग इंक्लूड हो जाती है। तो मैं इस वेबसाइट का आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा, कौन कौन से कीवर्ड में मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको अर्निंग की बात बता देता हूँ। तो आज की अर्निंग जो अगर बात की वो $35 है, तो उसके बाद अगर यस्टरडे की बात करें तो वो है $60, और अगर लास्ट 7 डेज की बात करें तो $445, और अगर दिस मंथ की बात मतलब और पिछले मंथ की जो इनकम थी 1.7, जो कि टोटल बैलेंस खड़ा हुआ है, और लास्ट पेमेंट दिसंबर के नवंबर और दिसंबर की जो पेमेंट थी वो थी $76। तो चलिए नीचे और स्क्रॉल करते हैं, परफॉर्मेंस में जाते हैं। तो अब जिसने 3 मंथ का मैंने इसका जो ओवरव्यू निकाला हुआ है, पेज व्यू की बात करें तो 3 लाख, और पेज आरपीएम 15, और इंप्रेशन की बात करें 8,86,000, क्लिक्स की बात करें तो 2,64,000, और सीपीसी 1.5 मिला है जो कि काफी अच्छा मुझे मिला है, और अगर पेज सीटीआर की बात करें तो 6.91 जो कि काफी अच्छा सीटीआर मुझे मिला है। तो अगर आप इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे जरूर देखें, तो फिर ही आपको समझेगा आप किस तरह से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये कीवर्ड सर्च किया था फ्री फायर मोड एपी के, जिसका सीपीसी आप देख सकते हैं $2 है। तो ये चेंज होते रहते हैं डिफरेंट, जब मैंने वेबसाइट क्रिएट की थी तब इसका जो सीपीसी था वो 0.50 था आई थिंक, तो इतना। तो अब इसका जो आप सीपीसी देखें $2 है, तो आई थिंक ये चेंज भी हो सकता है हर वीक के अंदर या डेली ये चेंज हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ एसईओ टूल्स में ये मुख्तलिफ सीपीसी दिखाता है इसका, तो सैमरेज के अंदर ये $2 दिखा रहा है। तो इसका जो अगर हम एवरेज देखें तो 1.5 तक आपको मिल सकता है आराम से। तो ट्रैफिक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस कीवर्ड पे इंडिया से, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड यूएस से आ रही है। तो इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो थोड़ी सी ज्यादा हाई थी, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया था, 6 बैकलिंक्स क्रिएट करवाए थे, क्योंकि अगर आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा हो तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ते हैं, रेफरेंस डोमेन के बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उन्हें स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये कीवर्ड्स हैं, तो ये पूरी कीवर्ड की लिस्ट हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो सेमरेज के अंदर हमने अपने वेबसाइट का जो ओवरव्यू ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो ऑथर स्कोर है वो है 12, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक की बात करें तो ये ऊपर इंक्रीज वगैरह होती रहती है 232, और बैकनेस की बात करें तो 608। तो थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इस पे जो मेरी वेबसाइट है इस पे तकरीबन 8 कीवर्ड्स पे मेरी वेबसाइट रैंक हो रही है। आप देख सकते हैं इतने ज्यादा कीवर्ड भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम कीवर्ड है जिन पे ये मेरी वेबसाइट रैंक हो रही है। और अगर बैकनेस की बात करें तो 608 बैकलिंक्स हैं, तो ये हमने मुख्तलिफ प्रीमियम वेबसाइट्स में हमने गेस्ट पोस्टिंग वगैरह करवाई है, जिसकी वजह से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो एक बार दोबारा मैं आपको अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसके जो मैंने आर्टिकल वगैरह लिखे हुए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मैंने रिसेंटली काफी सारे आर्टिकल लिखे लिखे, जैसे कि ये है फ्री फायर 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेटिंग, जिसे हम कर ये 2 नवंबर 2014 में ये आर्टिकल लिखा गया था, तो लिखा भी तकरीबन सारा मैंने ही था, और ये इतना बड़ा आर्टिकल भी नहीं लिखा हमने। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा एफएक्यू डाले हैं, और नीचे हमने इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग का यूज किया हुआ, और ये टेबल कंटेंट का एक प्लगइन मिलता है, आप इसे इंस्टॉल कर रहे हैं आपके जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उनके जो टाइटल्स वगैरह हैं वो आपको काफी अच्छे उसको मिल जाएंगे। तो ये देखें सिमिलर पोस्टें जो और भी हमने बहुत सारी की हुई हैं, तो ये पोस्टें तो इस साल हमने कोई पोस्ट नहीं की, पिछले साल की जितनी पोस्टें ये रैंक हो रही है अभी तक गूगल के अंदर, तो ये देख सकते हैं। तो हमने इसके बाद वेबसाइट का जो अगर हेडर की बात करें तो हमने एक लोगो लगाया हुआ है, और यहाँ पे एक होम पेज का डाउनलोड का बटन दिया हुआ, जहाँ पे आप मोड एपी के डाउनलोड कर सकते हैं उसके ऊपर हाउ टू। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल्स अगर लिखे हैं ये अबाउट अस के, अबाउट अस का जो हमने एक सेक्शन बनाया वो है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट अस का हमने ये मैन लगाया हुआ है, नीचे हमने कॉपीराइट का डाला हुआ है, और साथ में दो सोशल आइकन्स दिए हैं। तो आपने किस तरह इस तरह की अच्छी सी वेबसाइट डिजाइनिंग करनी है, किस तरह आपने इस तरह की अर्निंग करनी है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप बता देता हूँ। अगर आप इन पे इंप्लीमेंट करते हैं तो आप 2 या 3 मंथ्स के अंदर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक डोमेन एंड होस्टिंग बाई करनी थी,
तो सबसे पहले आपने ये कनेक्ट अच्छे से डोमेन एंड होस्टिंग करने, जिसका टोटल एक्सपेंस आपको 30 से 35 डॉलर आएगा। उसके बाद थीम आप देख सकते हैं, तो थीम अगर आपको डिजाइन करना चाहते हैं तो आप एलिमेंटर प्लगइन यूज कर सकते हैं। बेस्ट एसईओ प्लगइन की बात करें तो रैंक वाइज होस्ट स्टूडेंट आदि एसईओ कीवर्ड्स हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। और राइट आपने आर्टिकल किस तरह लिखना है, चार अपनी गूगल बार्ड है जस्ट पर और बार्ड हीरो से, उसके रिलेटेड ऑलरेडी मेरी काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं तो देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने ये करना है, बाद आपने क्या करना है, ये डिटेक्शन और ग्लेयर रिमूव करनी है। इसके लिए तीन टूल्स आप यूज कर सकते हैं। टोटल आर्टिकल जो आपने लिखने हैं वो 20 से 30 आर्टिकल लिखने हैं, और एटलीस्ट 4 इमेजेस यूज करनी है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिखें। ये स्टार्ट में हमने करनी है, बाद में बेशक आप 300 वर्ड का भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं। उसके बाद पी के जो बैक लिंक्स वो आपने क्रिएट करने हैं, वो किस तरह होंगे उसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई, तो आप देख सकते हैं इन प्लेटफॉर्म पर किस तरह आप फ्री में बैक लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। और गेट अनलिमिटेड ट्रैफिक व्हाट्सएप ग्रुप से देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से, और एक और मैं आपको मेरी वेबसाइट देखें जितनी भी यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है सारी गूगल डिस्कवर से। यहाँ डिस्कवर से बात करें तो फेसबुक एड्स आप रन कर सकते हैं, गूगल एड्स और